हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं मजे में नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो है वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है जोधपुर में रहने का, और अब फाइनली वो टाइम आ गया जब राहुल मेरे को लेने के लिए आ रहे हैं और मेरे को जाना पड़ेगा वापस ससुराल। पर ये तो होना ही था, तो बस इसीलिए मैं आज का ये ब्लॉग जो है वो शूट कर रही हूँ, और आप लोगों के साथ मेरी मायके टू ससुराल जर्नी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलो, पैकिंग तो मेरी सारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं क्या, मेरे जाने का जब रहता है ना, मैं 2-3 दिन पहले से ही सारा जो सामान होता है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे को क्या ले जाना है, क्या रह गया है सामान, कुछ रहना नहीं चाहिए, तो मैं सारा पहले से ही इकट्ठा करके और मेरे रूम में लाकर पटक देती हूँ। उसके बाद जो रहता है वो, जैसे कल जाना है तो उससे 2 दिन पहले मैं रात को जब टाइम मिलता है तब मैं सामान जो है वो सारा पैक कर देती हूँ। पर जो थोड़ा बहुत जो मेरा पर्सनल बैग होता है वो रह जाता है, तो वो मैं आज पैक कर रही हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से जो है वो बचा कुचा जो सामान है वो पैक कर देते हैं। पैकिंग हो जाती है मेरी कंप्लीट। एक्चुअली मेरे कुछ जोड़ और राजपूती ड्रेस और ब्लाउज वगैरह थे जो सिलवाने के लिए दिए हुए थे, तो उस वजह से ये जो फाइनल पैकिंग है वो कर नहीं पाई थी मैं। तो आज सुबह ही मैं वो सारे सामान लेकर आई हूँ, इसीलिए फिर इस बैग को मैंने अभी पैक करा है। और शाम को जो है वो राहुल आ जाएंगे लेने के लिए, और फिर कल हम लोग जो है सुबह निकल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर मैंने लगा दी है पैरों के मेहंदी, और कॉर्न मैंने यूज़ किया है इंस्टेंट वाला, क्योंकि ज़्यादा देर तक मैं लेकर बैठ नहीं सकती मेहंदी को, तो ये लगाकर और थोड़ी देर बाद में वॉश कर देती हूँ। उससे कलर भी अच्छा आ जाता है और ज़्यादा देर तक बैठना भी नहीं पड़ता। तो अभी मैं लगवाने वाली हूँ मेहंदी, तो टिप्स मैंने लगा दिया था, और हाथों पे मेहंदी लगाएगी मेरी बहन खुशी। तो ये लगाने वाली है मेरे हाथों में मेहंदी। झूठे हो रहे यार। आइए आइए ले ले कुछ सामान। वेलकम वेलकम माय होम। देख रहे मेरी मेहंदी मुझे नहीं निकले। आपने मेरे को क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ? बिलाड़ा। बिलाड़ा से लगता है 1 घंटा, ठीक है। और ये झूठे। हाँ बढ़िया है, हम तो अच्छे हैं। और कैसी? अभी तक तो अच्छे थे, अब कल से क्या पता कैसे होंगे। तो मेरी मेहंदी लग गई है, बस थोड़ी सी ही रही है, तो फिर हाँ गिर गया। देखिए मेरी मेहंदी का कलर अच्छा है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ऐसे करते हैं तो आदमी कर रहा है।
फिर वो सिटी उससे नीचे क्या है, अमेज़न में से बेकार गाड़ी होंडा की। गुड मॉर्निंग, अभी बस उठे ही है और नहाया भी नहीं है, मुँह भी नहीं धोया है, बस ब्रश किया है और 11:30 हो गए थे तो अभी के फ़ोन आ रहे थे नाश्ता करने के लिए, तो अभी पहले वहाँ जाके आते हैं उसके बाद में जो है वो। उधर से करो, हाँ फिर दादी के घर पे हम लोगों ने देखे कुछ पुराने एल्बम्स, उसमें से जो एक एल्बम था वो था मेरे दादा की शादी का, तो मेरे को वो दिखाना था राहुल को, तो मैंने सबसे पहले जो है वही दिखाना स्टार्ट किया। आ गए घर जाके। बैठो अंडे जी। हाँ हो रहा है। क्या हो रहा है? कह रहा हूँ अभी खुल रहा है पता। हाँ मिट्टी साल हो गए ना यार। पहले भी देखो ये पेपर आते हैं ऐसे करके ऐसे बनाया हुआ मतलब पैटर्न कितना पुराना है, मतलब आप लगाने लगे हैं पीपीएस पेपर और आपके कितने सालों पहले से मतलब लोग एडवांस। अब देखो हाँ इसमें देखना बैंड वगैरह है। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं दिन के 3 और मैं आई हूँ अभी नहाकर। 4 बजे तक हमारा निकलने का है, तो मैं जब जाने का होता है तो मैं लेट ही नहाती हूँ, जब निकलने का रहता है उसके 1 घंटे पहले नहा लेती हूँ। तो हम लोग अभी एक्चुअली आज लेट भी हो गया था क्योंकि दादी के घर गए थे नाश्ता वगैरह करने के लिए, तो वहाँ से आए फिर हम थोड़ी देर बातें करने बैठ गए और थोड़ी देर टीवी देखी और फिर ऐसे टाइम निकल गया पता नहीं चला, तो अभी मैंने नहाया है। राहुल तो कब का रेडी होके बैठ चुके हैं, वो उधर बातें कर रहे हैं गौरव से, तो मैं यहाँ पर अभी नहाकर आ गई हूँ और जो मेरा बचा हुआ सामान है वो भी सारा डाल देती हूँ फिर लास्ट मोमेंट पर भूल नहीं जाऊँ। तो अभी बस ये जो मैंने ड्रेस जो पहनी भी थी वो भी मैंने जो है वो बैग में डाल दी है और मेरा टॉवल वगैरह जो भी है वो सब वैसे एक्चुअली यहाँ से निकलती हूँ तो मेरा जो भी वाइंड अप करना होता है मेरे को सामान वो सारा करके जाती हूँ। मेरा वार्डरोब है उसके अंदर सारे जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं वो भी मैं एक दिन पहले धो देती हूँ, तो फिर वो भी सारे इसके अंदर डाल के जाती हूँ। टॉवल भी रख के जाती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँ मेरे को इजीली मिल जाए। और जो भी मेरे लोअर टी शर्ट वगैरह होते हैं जो भी रहते हैं वो भी मैं सारा इसमें डाल के जाती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँ वो मेरे को इजीली मिल जाए, ये नहीं पूछना पड़े ये कहाँ पड़ा है वो कहाँ पड़ा है। मैं पहले से सारा, क्योंकि पहले हो जाता था रख के भूल जाती, मतलब रखती सही से नहीं थी, जैसे था वैसे छोड़ के चलता तो मेरे को मिलते नहीं थे, फिर मम्मी भी रख के भूल जाते हैं, तो मैं पहले से सारा मेरा जो रहता है वो वाइंड अप करके जाती हूँ। तो अभी देखो रूम सारा मैसे पड़ा हुआ है और वो सारा सामान है जो मेरे को ब्यावर ले जाना है तो वो मैंने अभी यहीं पर रखा हुआ है, और इधर जो है वो मेरा बैग वगैरह पड़ा हुआ है तो वो भी लेकर जाना, ये सामान सारा नीचे रखना है, तो जो बचा कुचा सामान है वो फटाफट से डाल देती हूँ और फिर मैं अपनी ओर से सारी प्रिपरेशन करके रखती हूँ। चलिए तो रेडी हो चुकी हूँ मैं जाने के लिए, तो फाइनली जाने का टाइम हो गया है और सामान सारा नीचे चला गया है और अब मैं भी नीचे जा रही हूँ। बाय बाय। गर्मी है और अभी बज रहे हैं 5, फिर भी देखो कितनी ज़्यादा धूप हो रही है।
अभी हम रुके हैं बर, और राहुल गए हैं कचौरी लेने के लिए। अब तो बस थोड़ी सी देर और है। अभी घर आ गए कचौरी घर के लिए, घर के लिए। आपके लिए आधी आधी खा लेंगे मैं और वो। मेरे को लगा आधी आधी खा लेंगे हम दोनों, मैं नहीं दूंगी। आपने पूरा बोला ना मम्मी। मम्मी ने तो मना ही किया कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा अगर उनका मूड होगा तो आधी आधी हम दोनों। पहुंच गए हम लोग ब्यावर। मैं आ गई हूँ मेरे कमरे में, और आपको मेरे कमरे की हालत बताती हूँ। ये देखिए, बेड सीट भी नहीं है, और उधर देखो ये कुछ इस तरीके से हो रखा है मेरा रूम। और मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, चलो यहाँ पे तो सब सही है। ओह, फाइनली पहुंच गए ठिकाने। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।